के मेंबर भी हैं, साइमा बतूल से मैं मुल्तमिस हूँ। आप तशरीफ लाएँ और अपना रिवार्ड हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साइमा बतूल है। मेरा ताल्लुक सुरमो खबरू अस्करी गोन से है। मैं कैरसपी की बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे एप्रिसिएशन अवार्ड के लिए यहाँ स्पेशली इन्वाइट किया। मैं अपने ड्रामा करियर का सारा क्रेडिट अपने हस्बैंड अनवर अली को देना चाहूँगी। उन्होंने मेरे स्टैंडर्ड को समझा, मुझ पर ट्रस्ट किया और मुझे ड्रामे में काम करने की परमिशन दी। मैं अपने अबू अखोने साहब की भी बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे हमेशा अपनी बेटियों की इस तरह समझा और मुझे अपने बाबा की कभी कभी महसूस नहीं होने दी। और इसके बाद मैं अपने पेरेंट्स के थैंक्स करती हूँ कि उन्होंने मेरी इतनी अच्छी तरबियत की। हाजी अब्दुल हलीम मरहूम साहब और मेरी मदर आमना अब्दुल हलीम, उन्होंने मेरी तरबियत इतनी अच्छी की कि मैंने हर फील्ड में ख़ुद को मनवाया है। वो एजुकेशन हो, बिजनेस हो, ऑफिस वर्क हो। बात पूछ रहा हूँ, पहली बार आप बलसान में बत्ती ड्रामों में बलसान की सतह पर आपने पहली बार ड्रामे में काम किया, आप इस हालत में आप अपने आप को क्या महसूस कर रहे हैं? मैं तो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रही हूँ, बहुत अच्छा लगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ड्रामे में आऊँगी, ऐसे करियर स्टार्ट लूँगी, लेकिन यहाँ के लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट मिली। तिब्बत बल्तिस्तान आर्ट काउंसिल की मैं बहुत ज़्यादा ममनून और मशकूर हूँ कि स्पेशली काजिम साहब हमारे, रजब साहब है और निसार हसन कसम निसार भाई, उन्होंने भी मुझे बहुत सिखाया और अब्दुल मनान साहब, इन लोगों ने डायलॉग डिलीवरी में स्पेशली मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की क्योंकि बल्ती लैंग्वेज में डायलॉग बहुत मुश्किल थी मेरे लिए ना। वैसे आप कराची की पैदाइश है, कराची में हैं तो आपको उर्दू बोलने में तो आसानी है, बल्ती बहुत मुश्किल हो रहा था, बल्ती बोलने में आपके क्या समस्या हो रहा था? मुझे तो बहुत अच्छा लगा बल्ती बोलने, क्योंकि मेरी मातृ जुबान है, मैं उसकी प्रैक्टिस भी कर रही हूँ। मैंने कहा कि अब जब मैंने इसको ऐसे करियर ले लिया तो फिर बल्ती सीखनी चाहिए। मेरी बल्ती थी, मतलब मुझे समझ में पहले भी आती थी, बोलने में थोड़ी सी दिक्कत होती थी, आती थी जाती नहीं थी, आती थी जाती थी समझे ना। अब बहुत अच्छा लग रहा है बल्ती बोल के। मैं बस कोशिश कर रही हूँ इंशाल्लाह इस करियर को भी अच्छे से रखूँगी, इसमें मैं और आगे, और मैं चाहती हूँ कि और भी हमारी बहनें शीर्ष में आएँ। मैंने स्टार्ट किए, इंशाल्लाह और भी लोग लेंगे। आपको अपनी बेटियों पे, अपनी वाइफ पे ट्रस्ट की ज़रूरत है ताकि इस फील्ड पर, कोई भी फील्ड बुरी नहीं होती है। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। के मेंबर भी हैं, साइमा बतूल से मैं मुल्तमिस हूँ। आप तशरीफ लाएं और अपना रिवार्ड हासिल करें। साइमा बतूल अगर कहीं प्लीज साइमा आप तशरीफ लाएं और रिवार्ड हासिल करें। ये भी एक मुनफरिद शोभा है और हम हुसैन साहब के मशहूर हैं कि आपकी इजाज़त से साइमा बतूल इस अवार्ड को रिसीव करेंगे। बहुत मुबारक हो साइमा आपको। इसके बाद एक और ग्रुप है